नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो रहस्य में आज भूतों की बात। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इसलिए विश्वास वाली बात कहते हैं। जो तथ्य यही है कि भूत होते हैं, आत्मा होती है जो जब तक जन्म नहीं लेती तब तक वो भटकती है। जब तक उसका प्रोसेस चलता है अगले जन्म का, तब तक उसे भटकना पड़ता है और उस दौरान उसे भूत कहा जाता है। प्रेत उनको कहा जाता है जो कि निम्न श्रेणी के होते हैं, जो कि थोड़ा आपराधिक जिन्होंने कार्य किए होते हैं अपने जीवन में, जिन शरीरों ने, आत्मा तो निर्लेप होती है लेकिन जिन शरीरों ने कार्य किया होता है उसकी सज़ा तो आत्मा को भुगतनी पड़ती है। वो आत्मा, उस तरह की आत्माएँ प्रेत कहलाती है। भूत सामान्य आत्माएं होती हैं और दिव्य आत्माएं भी होती हैं जो भटकती नहीं हैं और उनका प्रोसेस अगले जन्म का बहुत जल्दी हो जाता है, उनको प्राथमिकता मिलती है। जो सच्चे लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो दिव्य आत्माओं में शामिल होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। भूत आपके आसपास किसी व्यक्ति पर है, ये कैसे पता चलेगा? जी हाँ, सामान्य तौर पर फिल्मों में आप देखते हैं काफ़ी कुछ हद तक काल्पनिक बातें उसमें होती हैं, कुछ तथ्य भी होते हैं। हम उनकी बात नहीं कहेंगे, हम उन बातों की बात करेंगे जो कि देखने में आया है, जो तथ्यपूर्ण है। जो आत्मा यानी जो भूत, जो भटकती आत्मा यानी कि जो भूत किसी व्यक्ति पर आवेशित हो जाता है, उस व्यक्ति पर चढ़ जाता है, उसके लिए कोई कारण होता है तभी उस पर चढ़ सकता है, यानी कि उसको आवेशित कर सकता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा सकता है। हर आत्मा नहीं कर सकती ये, जब तक कि आपने उसका कुछ अनहित ना किया हो। जब आपने उस आत्मा को कोई अनहित किया है अनजाने में या जान करके, तब उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो आवेशित करें, आपको प्रभावित करें। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जिस पर भूत का आवेश होगा, कई बार ऐसा नहीं है कि दिन रात भूत चढ़ा रहेगा, वो आवेश आता और जाता रहेगा। और वो आवेश जब आएगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है ये देख लीजिए। मांसाहार की इच्छा करेगा वो, तामसी भोजन की इच्छा करेगा वो, शराब की मांग कर सकता है वो, करते ही अधिकांश तौर पर। अगर आपके घर में शराब नहीं पी जाती, मांसाहार नहीं किया जाता तो आप हैरान हो जाएंगे। गालियां देगा वो, घर पे गालियां नहीं दी जाती आमतौर पर। सभ्य सज्जन और कुलीन लोग जो हैं, जो परिवार हैं, उनमें घर में गालियां नहीं दी जाती। वो व्यक्ति गालियां देने लगेगा, अपशब्द कहने लगेगा, उसका क्रोध अत्यंत बढ़ जाएगा। जब आवेशी तो उसका क्रोध भयंकर सीमा को पार कर सकता है, उसको नींद नहीं आएगी सामान्य तौर पर। जब आवेश नहीं होगा तब सामान्य तौर पर सुनी नहीं आएगी। मंदिर नहीं जाएगा वो, मंदिर जाने से बचेगा। आप उसको खींच खींच के ले जाएंगे तो भी वो नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहेगा। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि ये चीज़ें उस पर तब लागू होंगी जब वो आवेशित है। जी हाँ, जब वो आवेशित होगा तो ये सारी चीज़ें उस पर लागू होंगी जो मैं बता रहा हूँ। क्या क्या संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि उसके ऊपर भूत है? आपको लगेगा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, मानसिक रूप से प्रभावित हो गया, मानसिक रोग है कोई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उस पर आवेश है आत्मा का, भूत उस पर आया है, चढ़ा है, तो सामान्य तौर पर ये संकेत है। वो प्रसाद नहीं खाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, प्रसाद नहीं खाएगा। उससे कहिए कि मंत्र का उच्चारण करे, मंत्र का उच्चारण नहीं करेगा, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेगा वो जब उस पर आवेश है। कंठी माला नहीं पहनेगा वो, सामान्य तौर पर भी कंठी माला नहीं पहनेगा। ये सारी चीज़ें सामान्य तौर पर भी उस व्यक्ति पर लागू हो सकती हैं जिस पर आवेश आता रहता है भूत का। और ऐसी स्थिति में, फिर से मैं सारी बातें रिपीट कर दूंगा, जिस पर आवेश आता है आवेश के समय तो ये सारी चीज़ें उस पर लागू होंगी ही जो मैं बात कर रहा हूँ। जब आवेश नहीं होगा, जैसे सामान्य स्थिति में वो व्यक्ति होगा जिस पर भूत का आवेश है, उसके अंदर की नकारात्मकता बढ़ती जाएगी और उस समय भी ये चीज़ें उस पर लागू हो सकती है। संकेत यानी कि वो मांसाहार की इच्छा करेगा, उसका क्रोध अत्यंत बढ़ जाएगा, गालियाँ बकने लगेगा, बका करेगा, अपशब्द बोलने लगेगा घर में रहते हुए, जो कि संभव नहीं है। सामान्य घरों में, कुलीन भारतीय हिंदू सनातनी घरों में ऐसा नहीं होता। नींद नहीं आएगी उसको, नींद आनी उसकी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर आप खींच के ले जाएंगे तो भी नहीं जाएगा। प्रसाद आप उसको बता के खिलाइए कि यह प्रसाद है, तो प्रसाद नहीं खाएगा वो। मंत्रों का उच्चारण आप करवाइए, नहीं करेगा। भगवान का नाम लेने को उससे कहिए, वो नहीं करेगा। कंठी माला नहीं पहनेगा, जो कृष्ण भक्त हम लोग वैष्णव लोग कंठी माला पहनते हैं उसको पहनाइए, वो नहीं पहनेगा, उसको तोड़ देगा। गायत्री मंत्र के छींटे मारिए उसको, ये सबसे अंतिम विकल्प है जिससे बिल्कुल शुद्ध रूप से आपको पता चल जाएगा कि उस पर भूत है कि नहीं। सामान्य स्थिति में भी जब आवेश नहीं है, वो जब आवेश है तब भी, आवेश है तब जरूर उस पर गायत्री मंत्र के छींटे मारिए, वो तिल मिला जाएगा जैसे आग लग गई हो शरीर में, और क्षमा मांगेगा और भाग जाएगा और कहेगा कि ये गलती नहीं करेंगे। गायत्री मंत्र के लिए आपको रोजाना गायत्री मंत्र करना होगा, ब्रह्म मंत्र है ये,
सबसे महामंत्र है गायत्री, शुद्ध अवस्था में किया जाता है। आपको गायत्री मंत्र के बारे में अगली बार बताऊंगा। कोई भी गायत्री जापक के सामने, साधक के सामने कोई भूत कभी आ नहीं सकता, याद रखिए। गायत्री मंत्र के छींटे मारिए, वो भाग लेगा, कितना भी बड़ा राक्षस होगा, भूत प्रेत होगा, वो नहीं रुक पाएगा। चलिए, मैं आपसे फिर मिलता हूँ इसी तरह से किसी और रेडियो रहस्य के विषय पर। जाते जाते हमेशा की तरह आपको याद दिलाऊंगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।